हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूं नई जॉब की जानकारी जो पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर मंडल द्वारा निकाली गई है। इसमें 561 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। साथ ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए प्रत्येक सप्ताह नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये बैच जरूर ज्वाइन करने चाहिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड तीन नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं। पहला बैच आपका जो है मिशन बैच है। ये बैच आपका बाइलिंगुअल होगा, इसमें दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। दूसरा बैच आपका लक्ष्य बैच है, जो कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। और तीसरा बैच आपका एक्सपीडिशन बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। इन बैच की ड्यूरेशन की बात करें तो आप ये बैच जो है 6 मंथ, 12 मंथ या फिर 2 साल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी और स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ्स आपको दिए जाएंगे। इसके साथ ही डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आपके 1-to-1 डाउट क्लियर किए जाएंगे और प्रीलिम्स तथा मेंस के टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करके इसके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैच आप 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 2 ईयर के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी द्वारा एनसीईआरटी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स की भी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के प्रॉस्पेक्टिव से एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें। उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएं, आपके सामने यहाँ पर प्राइसिंग टेबल आ जाएगी। आप यहाँ पर प्राइस देख सकते हैं, आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, उसके बाद अप्लाई बटन पर क्लिक करें। आपको लगभग 7,000 से 10,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट नेम की। तो इसमें डीजल मैकेनिक की पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक की पोस्ट है, मैकेनिस्ट की पोस्ट है, फिटर की वैकेंसी है, टर्नर की वैकेंसी है, वायरमैन तथा मसान की वैकेंसी है, कारपेंटर की वैकेंसी है, पेंटर तथा गार्डनर की वैकेंसी है, फ्लोरिस्ट तथा लैंडस्केपिंग की वैकेंसी है, पंप ऑपरेटिंग कम मैकेनिक की वैकेंसी है, हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की वैकेंसी है, कोपा की वैकेंसी है तथा स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की वैकेंसी है, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन जर्नल की वैकेंसी है तथा अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन की वैकेंसी है, और अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकिंग की वैकेंसी है। इसके साथ ही होटल क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, डिजिटल फोटोग्राफी की वैकेंसी है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर की वैकेंसी तथा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन और क्रेच मैनेजमेंट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके साथ ही सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हाउसकीपर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर तथा डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसमें टोटल 561 वैकेंसी है, जिसमें SC के लिए 73 है, ST के लिए 33 वैकेंसी है, OBC के लिए 133 वैकेंसी है, EWS के लिए 44 वैकेंसी है और अनरिजर्व के लिए 278 वैकेंसी है। टोटल 261 वैकेंसी है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए कैंडिडेट को 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ साथ जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें ITI पास होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट की एज जो है 15 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, वहीं पर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी और विकलांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन जो है 10th के नंबर्स के आधार पर होगा। जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसको सबसे पहले बुलाया जाएगा। इसमें कोई भी रिटर्न एग्जाम या फिर इंटरव्यू या फिर कोई भी मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया, आप वहां पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।